सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिटेलर्स में। मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुर्ते की स्टिचिंग करना बताएंगे, यानी सिलाई। तो दोस्तों, हमने कुर्ते की कटिंग कर ली थी और इसकी हमने पेस्टिंग भी कर ली है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हमारी साइड पॉकेट है और इसके बाद जो हमारी है ये बाजू है, और फ्रंट के और बैक के जो पार्ट हैं वो नीचे रखे हुए हैं। अब दोस्तों, जैसे आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है, यदि दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। सबसे पहले हम ताबीज़ बनाएंगे। तो ताबीज़ का जो हमने मार्क किया हुआ था, आधा इंच हमने छोड़कर मार्क किया था सेंटर से, वहाँ से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों, जिस तरीके से हमने ये ताबीज़ चिपकाया हुआ है, जो ताबीज़ है हमारा, ये फैसल पट्टी जो हमारी है वो 1 इंच चौड़ी है, तो इसको हम एक पैर का मार्जिन लेकर कट कर लेंगे। एक पट्टी हम और ले लेंगे जो बटन टेक के हम काम में आएगी हमारी। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच हम किस तरीके से करते हैं, तो ये जो हमारा पल्ला है जो हमने कट किया हुआ था, उसको हम इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों, इस तरफ तो हमारी बटन टिक लगेगी और कम वाले हिस्से की तरफ हम फैसन पट्टी को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों, जहाँ था हमारा कट लगा हुआ था, वहाँ से हम आधा इंच ज़्यादा सिलाई लगाएंगे, क्यों हमारा जो नीचे हम क्रॉस में चटका लगाते हैं तो इसलिए, तो यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी फैसन पट्टी में हम सिलाई लगाएंगे, तो फैसन पट्टी को हम रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई हुई है दूसरी फैसन पट्टी में, वहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। बराबर से सिलाई लगाना है आपको। इस तरीके से आपको कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद दोस्तों, हम नीचे की तरफ चटका लगाएंगे क्रॉस में। चटका लगाने के बाद दोस्तों, हम जो मार्जन है हमारा, जितनी हमने सिलाई लगाई हुई है उतना मार्जन हम कट कर देंगे, क्यों हम जब इसे पलटेंगे तो हमारी पलटने में आसानी रहेगी। बटन टेक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से बटन टेक को बना लेंगे। अब फैसल पट्टी को बनाएंगे, तो अच्छी तरीके से हम फैसल पट्टी को पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसमें हम लक्की सिलाई से इसे पक्का करेंगे। जहाँ तक हमने चटका लगाया हुआ था वहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे। सिलाई लाने के बाद दोस्तों, हम जो मार्जन है उसको हम ऊपर कर लेंगे बटन टेक वाला, और जो हमने क्रॉस में चटका लगाया है उसका मार्जन भी हम ऊपर कर लेंगे, और वहाँ से हम क्रॉस सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो मार्जन है नीचे का वो दब जाए, नीचे की तरफ हमें कच्चा मार्जन ना दिखाई पड़े। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब जितना आपको ताबीज़ बनाना है तो उतना आप मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों, इसको हम तिकोना फोल्ड कर देंगे। यदि आपको चौकोर में ताबीज़ रखना है तो आप चौकोर में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस पल्ले को हम नीचे करेंगे और ताबीज पर हम लक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ताबीज बनकर तैयार हो गया है। अब हम पॉकेट को लगाएंगे। तो पॉकेट का निशान हमारा, जहां से आरमोल का निशान लगा हुआ है, वहां से हम पल्ले को तोड़ेंगे, वहां से ही हमारी पॉकेट लगती है। तो कितनी दूरी पर हमें लगाना है पॉकेट, तो हम यहाँ से नाप लेंगे 2 इंच या 2.25 इंच पर हम पॉकेट को रखेंगे। इस तरीके से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद जो हमने पॉकेट पैटर्न की मदद से हमने तोड़ी हुई है, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और अटैच कर देंगे लपकी सिलाई से। पॉकेट को लगा लिया है। अब दोस्तों, हम साइड का जो बॉटम है वो फोल्ड करेंगे। तो जहाँ से हमारे चटके लगे हुए हैं वहाँ से हम इसको एक बार कच्चा फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसका जो बॉटम है 2 बार में फोल्ड होता है। तो कच्चा फोल्ड करने के बाद हम एक बार चटका और लगा लेते हैं। चटका लगाने के बाद अब हम इसको पक्का फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से आपको बैक के पार्ट का भी मार्जिन फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसका जो दामन है वो फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों, हम इसकी कंधी अटैच करेंगे।
तो बैक पल्ले को हम सीधा रखेंगे, ये हमारी बैक है, इसको हम सीधा रखेंगे और जो सामने वाला यह पल्ला है उसको हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद दोस्तों हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों कुर्ते की जो साइड है वो पहले ही लग जाती है, इसमें जो बाजू है वो गोल में अटैच होती है, तो इस तरीके से हम इसकी साइड भी बंद कर लेंगे। इस तरीके से हम मार्जिन को मिलाएंगे, जहाँ तक हमारा ये पॉकेट का मुंह है वहाँ तक हम सिलाई को लाकर वहाँ से ख़त्म कर देंगे सिलाई को इस तरीके से, और नीचे वाले पर भी हम इतने भाग पर भी सिलाई कर देंगे। नीचे से बॉटम से आपको मिलाकर देख लेना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। इस तरीके से दोस्तों हमने इसकी जो साइड हैं वो लगा ली हैं। अब दोस्तों हम बाजू को बनाएंगे, तो बाजू हमने इस तरीके से रखा है, तो हम जो बाजू के दोनों उल्टे हिस्सों पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसकी मोहरी को फोल्ड करेंगे, तो पल्ले को हम उठाएंगे और आधा इंच का मार्जिन हम फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और लपकी सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो बाजू की साइड है वो पहले ही बंद कर ली जाती है, क्योंकि बाजू हमारी गोल चढ़ती है, तो इस तरीके से हम इसकी बाजू की साइड बंद करेंगे, मोरी को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। आपको जो आपने कुर्ते की बॉडी बनाई है उनमें उसमें भी इंटरलॉक कर लेंगे और बाजू में भी इंटरलॉक कर लेंगे। इसकी कंधी में हम लपकी सिलाई लगाएंगे, तो जो कंधी का मार्जिन है वो हमारे बैक साइड में जाता है, तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों हम इसकी बाजू अटैच करते हैं, तो इस तरीके से बाजू को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों जो हमारा गड्ढा वाला हिस्सा है वो फ्रंट पल्ले की तरफ रहता है, तो हम इसको इस तरीके से बैक मार्जिन को हम बैक साइड में रखेंगे। तो हम इस तरीके से इसके अंदर बॉडी के अंदर बाजू को डाल देंगे। डालने के बाद इस मार्जिन को हम बैक साइड में कर लेंगे। इस तरीके से हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपको दोनों बाजुओं को लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों अब हम साइड पॉकेट को बनाएंगे, तो साइड पॉकेट को हम किस तरीके से बनाते हैं चलिए वो देखते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉकेट को बना लिया है। पॉकेट को बनाने के बाद अब हम इसका सेंटर का एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम पल्ले को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों जो हमने पॉकेट को बनाया हुआ है, तो जो बॉडी का मार्जिन है वो हमारा बैक साइड में जाएगा, तो मार्जिन को बैक साइड में करने के बाद जहाँ से हमारा ये चटका लगा हुआ है पॉकेट में, वहाँ से हम सेंटर से रखेंगे और जितना मार्जिन हमने पॉकेट में छोड़ा हुआ था आधा इंच का, वहाँ से हम मिलाकर इसको अटैच कर देंगे पॉकेट को। तो दोस्तों इस तरीके से हम साइड पॉकेट को बना लेते हैं। बाद दोस्तों अब हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे, तो कॉलर की हमने पेस्टिंग कर ली है। यदि दोस्तों आपको नेहरू कॉलर की
कटिंग नहीं आती है या इसका पैटर्न की कटिंग करना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर जाकर आप नेहरू कॉलर के पैटर्न की कटिंग करना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रख के और कच्चा कर लेंगे। अब हम इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच हम किस तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से हम जो हमारा कुर्ता है उसको हम सीधा रखेंगे। हमारा ये अंदर की तरफ से अटैच होता है, बाहर की तरफ हमारा पक्का होता है। तो सेंटर से हम एक पैर का मार्जिन लेकर कॉलर को कच्चा कर देंगे। लिया है कच्चा करने के बाद अब हम इसे पक्का करेंगे। तो दोस्तों हम पक्का सेंटर से करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉलर है वो अच्छी तरीके से हमारा पक्का हो जाए और इसकी जो कंधी के सेंटर है वो आउट ना हो, तो इसलिए हम भी सेंटर से इसे पक्का करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉलर को पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद हम इसमें लपकी सिलाई ऊपर एक लगा लेंगे। हम चाक में हम इस तरीके से टुकड़ा लगाते हैं जिससे हमारे चाक खुलते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम कपड़े को क्रॉस में रखेंगे और चाक में हम कपड़ा लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इस कुर्ते की स्टिचिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।